हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एआर रिजोल्यूशन में। आज की वीडियो में हम मेंटोस टेस्ट के बारे में जानेंगे। मेंटोस टेस्ट क्या है, ये क्यों कराया जाता है, किस तरीके से इसका जो रिज़ल्ट है वो रीड आउट किया जाता है, या जब ये टेस्ट किया जाता है तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मेंटोस टेस्ट जो है वो एक तरीके का इंजेक्शन होता है, PPC, जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद चेक किया जाता है उसमें कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं। अगर उसमें चेंजेस हुए हैं 48 आवर्स या 72 आवर्स में, तो उसको मेज़र करके रिपोर्ट रेडी की जाती है। मेंटोस टेस्ट जो है वो हमारी बॉडी में चेक करते हैं, इंजेक्ट किया जाता है, जिसके बाद जो चेक किया जाता है कि हमारी बॉडी में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है। अगर मान लीजिए ये जो इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है वो पॉजिटिव होता है, तो उसका जो हमने जहाँ बॉडी हैंड में हमारे फोर आर्म में इंजेक्ट किया जाता है उसको मेज़र किया जाता है कि कितने mm तक जो है इसका साइज़ इंक्रीज़ हुआ है, रेडनेस जो है वो क्या है। और ये जो टेस्ट किया जाता है मेंटोस टेस्ट, ये TV के लिए किया जाता है, TV के लिए चेक किया जाता है। इस टेस्ट को करने के बाद TV चेक किया जाता है कि इंसान को TV तो नहीं है। टू टाइप्स के TV चेक करने के तरीके होते हैं, एक TB स्किन टेस्ट और एक TB ब्लड टेस्ट। TB स्किन टेस्ट जो है वो लेटेंट TB इन्फेक्शन डायग्नोस्टिक के अंदर आता है, और TB ब्लड टेस्ट जो है वो एक्टिव TB इन्फेक्शन चेक करता है, जो हमारी बॉडी में एक्टिव होते हैं। मेंटोस टेस्ट को किस किस नाम से जाना जाता है? मेंटोस टेस्ट को मेंटोस टेस्ट, मेंडल मेंटोस टेस्ट, मेंटोस स्क्रीनिंग टेस्ट, ट्यूबरक्लोसिस सेंसिटिविटी टेस्ट, प्रीक्विट टेस्ट, PPD, मैंने जो इंजेक्शन बताया था जो फॉरम में इंजेक्ट किया जाता है उसको PPD टेस्ट, PPD इंजेक्शन बोलते हैं, PPD टेस्ट भी बोलते हैं इसको, स्क्रीनिंग ऑफ ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं। ये सभी टेस्टिज हैं TV को चेक करने के लिए जो हम करते हैं, मेंटोस टेस्ट, जिसको इन सभी नाम से जाना जाता है। अब लेटेंट TB और एक्टिवेट TB में क्या अंतर है? जो लेटेंट TB इन्फेक्शन होते हैं, लेटेंट TB इन्फेक्शन जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक TB जो है उसे लेटेंट TB इन्फेक्शन बोलते हैं, और जो सिम्प्टोमेटिक TB होते हैं उन्हें एक्टिव TB इन्फेक्शन बोलते हैं। एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन का मतलब होता है जिनके सिम्टम नहीं दिखते हैं, और सिम्प्टोमेटिक का मतलब होता है जिनके सिम्टम दिखते हैं। फिर आते हैं प्रोसीजर क्या होता है ट्यूबरक्लोसिस स्किन टेस्ट को करने का। तो इस टेस्ट को करने के लिए 0.1 ml जो है वो PPD इंजेक्ट PPD स्वेलिंग में जो है वो इंसुलिन में जो है वो लिया जाता है, PPD मेडिसिन ली जाती है, उसको फॉरम में इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद 48 या 72 आवर्स के बाद इसको मेज़र किया जाता है कि कितने आर्म्स जो है इंक्रीज़ हुआ है, नहीं हुआ है। एक जब हम इंजेक्ट करते हैं तो एक छोटी सी जो है ऊपर को परत आती है, इसको हायर बोलते हैं। अब इसकी रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो रिज़ल्ट आता है वो 48 आवर्स में आता है। जब ये इंजेक्ट किया जाता है तो 48 आवर्स तक हम ना इस पर कोई सॉप लगा सकते हैं, ना ऑयल लगा सकते हैं, ना क्रीम लगा सकते हैं, ना ही कोई इचिंग कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम इचिंग कर लेते हैं तो वो खुद ही रेडनेस हो जाती है, वो रेड वगैरह हो जाता है। इस पर इसको चेक किया जाता है कि इसमें कोई भी रेडलिंग स्वेलिंग तो नहीं आई है। इसको मेज़र किया जाता है बाद में इसके एरिए को कि कितना ये बढ़ा है, कितना एरिया इसका रेड हुआ है, वो सब स्वेलिंग वगैरह सब मेज़र की जाती है। अगर ये नेगेटिव स्किन टेस्ट है दैट मीन्स पेशेंट जो है इन पर्सन जो है वो इंजेक्ट नहीं है TV से, और अगर पॉजिटिव आता है दैट मीन्स पेशेंट उस पर्सन को पर्सन जो है वो इंजेक्ट है TV से। इसकी रिपोर्ट किस तरीके से देख सकते हैं? अगर 5.5 mm है या उससे उस 5.5 mm है या 5.mm से ज़्यादा है, 5 mm से ज़्यादा है मीन्स 5 mm से ज़्यादा, 10 mm से कम, तो ये जो है पर्सन HIV पॉजिटिव हो सकता है या पॉजिटिव
पर्सन के कांटेक्ट में आया हो या फिर किसी पेशेंट को ऑलरेडी टीवी हो उस इंसान के ये कांटेक्ट में आया हो तो भी ये हो सकता है। 10 mm या उससे ज़्यादा कब हो सकता है? पेशेंट को जो है 5 साल से ये बीमारी हो या फिर 5 साल से ये उन लोगों के बीच में रह रहा हो जिनको ये बीमारी हो, वो कोई इंजेक्शन वगैरह ले रहा हो ड्रग वगैरह की, वो कोई 4 साल से छोटा बच्चा है तो भी ये बीमारी हो सकती है 10 mm पे। 15 mm जो है वो हाई, मतलब उस पर्सन में बहुत ज़्यादा ही रिस्क होता है टीवी का। अगर मोनोटॉक्स टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है उसके बाद कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? मेनली चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं कुछ, और स्पूटम तो स्पेशली किया जाता है, बलगम की जांच कि क्योंकि जब टीवी होता है तो इंसान को बहुत ज़्यादा खांसी आती है, दैट रीज़न स्पूटम और चेस्ट एक्सरे स्पेशली किया जाता है टीवी के केस में।